लखनऊ में महिला दरोगा का घर से अपहरण पर यूपी के कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। चंद्रशेखर ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान को बताया झूठा, सीएम योगी की उड़ाई मजाक। चंद्रशेखर बोले राजधानी में महिला दरोगा सुरक्षित नहीं, तो आम महिला कैसे होगी सुरक्षित। खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जो नवाबों का शहर माना जाता है और विशेष तौर पर कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु है और कोई भी ऐसी घटना इस क्षेत्र में हो तो राजनीतिक सवाल पैदा हो ही जाते हैं। दरअसल राजधानी के बाबू बनारसीदास थाना अंतर्गत रहने वाली महिला दरोगा का दो युवकों ने घर से अपहरण कर लिया। महिला दरोगा को जान से मारने की धमकी दी गई। आइए बताते हैं कि पूरी घटना क्या है। राजधानी के बाबू बनारसीदास थाना अंतर्गत की रहने वाली महिला दरोगा को दो युवकों ने उसके घर से अपहरण कर लिया। युवक महिला दरोगा को कार में खींच कर ले गए। अपहरण करने वालों ने महिला दरोगा पर दबाव बनाया कि उनके साथी पर दर्ज कराए गए मुकदमे को वो वापस लें। इस दौरान महिला दरोगा को जान से मारने की धमकी भी दी गई। साथ ही कहा गया कि महिला दरोगा के परिजनों को भी मार देंगे। किसी तरह महिला दरोगा अपहरणकर्ताओं के चुंगल से छूटी। महिला दरोगा ने घटना की रिपोर्ट बाबू बनारसीदास थाने में दर्ज कराई है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दरअसल महिला दरोगा मूल रूप से बाबू बनारसीदास इलाके की रहने वाली बताई जा रही है। महिला दरोगा ने बताया कि प्रयागराज निवासी अंशुमन पांडे उसकी फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल कर बदनाम करने की धमकी देता है। कई महीनों से उसे ब्लैकमेल कर पैसों की डिमांड करता है। अंशुमन की इन हरकत से परेशान होकर महिला दरोगा ने लगभग 37 मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिए। इसके बाद भी अंशुमन पांडे ने महिला दरोगा का पीछा नहीं छोड़ा। महिला दरोगा के मुताबिक अंशुमन लगातार उसे धमकी देकर पैसा वसूलने का प्रयास करता रहा। इसके बाद महिला दरोगा ने हजरतगंज महिला थाने में अंशुमन के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कराया था। फिलहाल इस मुकदमे में अंशुमन की गिरफ्तारी नहीं हुई है। महिला दरोगा के मुताबिक इसका फायदा उठाकर अंशुमन ने केस को वापस लेने के लिए दबाव शुरू कर दिया था। महिला दरोगा के मुताबिक 11 सितंबर को रात करीब 12 बजे घर का दरवाजा खटखटाया जाता है और जब महिला दरोगा बाहर निकलती है तो दो युवक उसका अपहरण कर लेते हैं। रास्ते में अपहरणकर्ताओं ने डरा धमका कर सादे कागज पर हस्ताक्षर करा लिए। इसके साथ ही धमकी दी गई कि यदि अंशुमन पांडे के ऊपर दर्ज कराए गए मुकदमे को वापस नहीं लिया गया तो उसे और उसके परिजनों को जान से मार देंगे। इस दौरान जब युवकों को पता चला कि महिला दरोगा ने 112 डायल कर दिया है तो उसे छोड़कर भाग निकले। इस बारे में बीबीडी थाना प्रभारी अजय नारायण ने बताया कि पीड़ित महिला दरोगा की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन इसके बाद राजनीतिक सवाल उठना शुरू हो गए हैं। कानून व्यवस्था पर सवाल हो रहे हैं क्योंकि ये महिला दरोगा के अपहरण का मामला है। इस पर सरकार को घेरते हुए सोशल मीडिया एक्स पर चंद्रशेखर आजाद ने लिखा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बीबीडी कोतवाली में तैनात महिला दरोगा को काफी समय से परेशान कर रहे सौदे द्वारा पूर्व में कई बार धमकाने और न मानने पर अपने साथियों के साथ घर से ले जाकर बंधक बनाकर केस वापस लेने का दबाव बनाने का मामला उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा के तमाम दावों की पोल खोलने वाला है। वहीं उन्होंने लिखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी के राज में उत्तर प्रदेश की विफल कानून व्यवस्था को छिपाना और जनता को बरगलाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा झूठ बोला जा रहा है। 16 साल की बच्ची भी गहने को लेकर रात 12 बजे भी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर चल सकती है, आज नासूर बनता जा रहा है, झूठ के पांव नहीं होते। वहीं चंद्रशेखर लिखते हैं कि राजधानी लखनऊ में ही महिला पुलिस घर में सुरक्षित नहीं है तो पूरे उत्तर प्रदेश में आम महिलाएं सुरक्षा की उम्मीद कैसे कर सकती हैं। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है, क्या वाकई उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर होती जा रही है या फिर इस घटना के पीछे महिला दरोगा भी कुछ छुपा रही है। लेकिन फिलहाल में सांसद चंद्रशेखर ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है और यूपी की राजनीति पर विशेष ध्यान रखना शुरू कर दिया है और सवाल भी उठाना शुरू कर दिया है। जो मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, मेरी मौत कल की आती आज आ जाए मुझे आपकी परवाह है, वरना मुझे आप लोग परेशानी होती मुझे क्या फर्क पड़ता। आप अपनी जगहों पे बैठ जाओ, फिर से कह रहा हूं बैठ जाओ। मैं मानता हूं कि ग्राउंड छोटा पड़ गया, मैं मानता हूं, मैं आपकी बात को समझता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि अगर रामलीला मैदान में रैली होती तो वो भी छोटा पड़ता आज, मैं इस बात को भी जानता हूं। लेकिन मैंने जो आपको सिखाया है अगर आप उस पर नहीं काम करोगे तो नहीं बनेगी बात।
जो लोग मुझसे प्यार करते हैं एक घंटा परेशानी झेल लो, क्या हो जाएगा। हम किसान मजदूर के बच्चे हैं, हम किसान कमेरे वर्ग के लोग हैं, हम वो लोग हैं जो सफाई का काम करते हैं, हम वो लोग हैं जो मजदूरी काम करते हैं, हम वो लोग हैं जो बिल्डिंगें बनाते हैं, हम लोग हैं जो खेतों में काम करते हैं, हमें आदत है परेशानियां सहने की, तो सह लो, क्या हो गया। अगर आप मेरे लिए कहे के बाद इतना नहीं कर सकते तो फिर क्या फायदा है। अगर आप बैठ जाओगे तो मैं अपनी बात रखूंगा, वरना वचन देता हूं कि अपनी बात नहीं रखूंगा। आप जानते हो मेरे नेचर को, मैं वचन देके नहीं मुकरता हूं। अभी आपको तय करना है, इधर वालों को भी कह रहा हूं। बैठ जाओ। अपने अपने मोबाइल जेब में घेरो, डालो अपने अपने मोबाइल। अगर आप सच में मुझे सुनना चाहते हो तो अपने अपने मोबाइल जेब में डालो, जेब में डालो अपने अपने मोबाइल, बंद करो। अगर आप मुझे सुनना चाहते हो तो अपने अपने मोबाइल जेब में डालो, फोन जेब में डालो, मुझे सुनो, यही खड़ा हूं, बैठो, फोन जेब में डाल के सुनो। कभी ऐसा नहीं होता, एक बार कह देता हूं ना माने, कभी नहीं होता है। आज तक का रिकॉर्ड है, एक बार मेरी कही गई बात के बाद दोबारा मुझे नहीं कहना पड़ा है, कभी नहीं हुआ आज तक ऐसा। ये जोश है या अनुशासनहीनता मैं नहीं जानता हूं। बैठ जाओ। जय भीम। अपनी बात को शुरू करते हुए बहुजन समाज में सभी जाति धर्मों में जन्मे सभी संतों गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। सम्मानित साथियों, आज देश के कोने कोने से चल के आए बहुजन समाज के बहादुर योद्धाओं इस मंच पर उपस्थित, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सभी सम्मानित नेताओं, हमारे मिशन 78 अधिवक्ता मोर्चा, अनुशासन समिति, भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन और किसान मोर्चा, तमाम संगठनों के सम्मानित नेताओं, यहां उपस्थित हमारी माओ बहनों, नौजवान साथियों और मुझसे बड़े उम्र में बड़े सभी सम्मानित साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। आप जानते हो कि मैं आपसे हूं, आप जानते हो कि मैं जो कुछ भी हूं आपसे हूं, मैं कभी आपसे बड़ा नहीं हो सकता। आप मेरे लिए हमेशा वीआईपी हैं। जितना सम्मान मैं उस मंच पर बैठे लोगों का करता हूं, उससे ज्यादा सम्मान मैं आपका करता हूं। लेकिन मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं, मैं आपसे भी ये उम्मीद करता हूं कि जैसे मंच पर बैठे हैं जिम्मेदारी से सम्मान के साथ, ऐसे ही आप लोग भी जिम्मेदारी से बैठे, तभी आपकी इज्जत बढ़ेगी। अगर आप इज्जत नहीं बढ़ाना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ। मेरा तो प्रयास है कि आप इज्जत के साथ आगे बढ़ना सीख जाओ। जब तक आप इज्जत के साथ आगे बढ़ना नहीं सीखोगे, इस देश में आपकी बात मजबूत नहीं होगी। भेड़ बकरियां कभी राज नहीं करती, इतिहास गवाह है। राज योद्धा करते हैं, राजा का आचरण भी राजाओं जैसा होना चाहिए। राजा गुलाटी मारते नहीं घूमते हैं, राजा राजा होते हैं। राजाओं का आचरण जब तक आप में नहीं आएगा, तब तक आप राजा बनने की तरफ नहीं आगे बढ़ोगे। अगर बंदर को राजगद्दी सौंप दी जाए, क्या राज कर सकता है? नहीं कर सकता। राज करने के लिए राज जैसी सोच भी जो है अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी।